अच्छा, ये तो हमने बात कर ली हीरोज की इस टेस्ट में, लेकिन कुछ ऐसे नाम जो शायद अगर आप 1.5-2 साल बाद वापस स्कोर कार्ड को देखेंगे तो वो स्ट्राइकआउट नहीं होंगे, लेकिन उनके बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन, अजिंक्य रहाणे पहली पारी में, विराट कोहली का वो टेक्स्ट बुक बैटिंग मास्टर क्लास दूसरी पारी में, और ऋषभ पंत जो हर बार इंप्रूव होकर दिख रहे हैं बतौर विकेट कीपर। मैं बहुत खुश हूं कि आपने तीसरा नाम लिया, क्योंकि जो अजिंक्य रहाणे की इनिंग्स बहुत ही बहुत अहम थी। और रोहित शर्मा ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उस पहले दिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि उन्होंने कहा देखिए जब भी जरूरत पड़ी है देखिए किसका नाम आया है आगे। कि एक आध मैच थी, मुझे लगता है जोहान्सबर्ग में भी जो टेस्ट मैच जीता भारत ने, वहां जल्दी 40-45 रन कुछ बनाए थे। उन्होंने कहा जब भी देखो, जब भी भारत जीती है देखिए एक नाम रहेगा वहां पे, वो है अजिंक्य रहाणे। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप रहाणे के बारे में बात मत करें, वो हमारे टीम के एक स्तंभ है, जैसे विराट कोहली ने पहले टेस्ट मैच के बाद भी कहा था। और ये 67 बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, क्योंकि देखिए आप अगर स्कोर कार्ड देखिए उस मैच का, पहली इनिंग्स का 161-67, ऋषभ पंत ने आखिर रन बनाए टेल के साथ और कोई नहीं, तो वो 67 और वो जो पार्टनरशिप थी उनकी 150 रन की, 162 रन, बहुत बहुत अहम थी। विराट कोहली ने, आपने बिल्कुल सही कहा, 1.5 साल के बाद आप वो स्कोर कार्ड देखेंगे ना, आप कोई नहीं आपको बताएगा उस ट्रैक पे स्पिन कैसे खेला जाता है, वो उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि स्वीप की प्रैक्टिस की थी उन्होंने, लेकिन ज्यादा खेले नहीं वो स्वीप, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, ऑफ स्टंप के बाहर गार्ड लिया, जिस तरह से खेले वो एक ना, कुछ पारियां होती है स्पेक्टेटर्स के लिए और कुछ पारियां होती है कॉनोसर के लिए, शौकीन के लिए, ये एक शौकीन की पारी थी। और तीसरा नाम आपने लिया ऋषभ पंत का, क्योंकि स्कोरबोर्ड जो होता है ना वो रन के बारे में दिखाता है, विकेट्स दिखाता है, स्टंपिंग दिखाता है, ये सारी चीजें दिखाता है, ये नहीं दिखाता कि जहां कीपिंग करना मुश्किल था, जहां ऋषभ पंत ने कितने कदम आगे बढ़ाए अपने करियर में। क्योंकि अक्सर मैं कहता रहा हूं, मेरी बहुत क्रिटिसिज्म हुई है लोगों के हाथ इस बारे में कि आपको ऐसे ट्रैक्स पे सबसे अच्छे कीपर को खिलाना चाहिए, सहा को खिलाना चाहिए, मैं कई सालों से कहता रहा, क्योंकि जब ट्रैक्स टर्न होते हैं आपको, आपके जहन में डर होता है कि क्या ऋषभ पंत कर पाएंगे कि नहीं, यहां पे उन्होंने करके दिखाया। और मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो इंप्रूवमेंट हमने जबरदस्त देखा है, ये क्या आने वाले टेस्ट मैचेस में भी हम देख पाए।